भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने मंगलवार को प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल के नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन शिलापट का अनावरण करके किया। इस अवसर पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल श्रीवास्तव, आरपीएफ गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्रभारी मनोज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि तैयारों के सीजन में आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। डीजी रेलवे ने कहा कि खासकर चयन पोलिंग के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीजी अरुण कुमार टिकटों के दलालों पर पूरी तरह से लगभग लगाम लगाने के लिए आरपीएफ द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत करोड़ों रुपए की टिकट को पकड़ा जा चुका है, जिससे लोगों को आसानी से टिकट मिल सके। डीजी अरुण कुमार ने कहा कि आरपीएफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 186 करोड़ रुपये मिले हैं, जिससे आरपीएफ में ढांचा गत सुधार हो सकेगा। इसके अलावा तकनीकी, नई भर्ती और सुरक्षा के साथ आरपीएफ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन कर रही है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, वो हर रैंक में जो है तो प्रमोशन रुका हुआ था, वो प्रमोशन हर रैंक में थ्रू हुआ है। पिछले बार आप ये बताए थे प्रमोशन में जो है वो हमारे खास करके इंस्पेक्टर से जो एसीपी था, अच्छा, वो उनका सालों से रुका हुआ था, तो वो यूपीएससी में इंटरव्यू होके करीब 90-95 लोग उनका जो है वो कन्फर्मेशन हो गया, और उसमें से करीब 20-22 लोग जो है वो सीनियर एसपी रैंक में भी आ गए। उसके बाद हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के प्रमोशन की ऑल इंडिया परीक्षा कंप्लीट करा दी, और उसमें जो है वो प्रमोशन पूरा का पूरा दे दिया। अब हमारी परीक्षा जो है वो एएसआई से सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन की जो है वो उसकी घोषणा हो गई है, तो हर रैंक को जो है वो हम प्रमोशन जितना बाधित था वो सबको मिल रहा है। और एक एनएससीपी होता है कि यदि प्रमोशन में दिक्कत है तो 10 साल में आपको पैसा मिलेगा, तो वो चीज़ जो है वो सबको हो रही है। एनएससीपी का भी लाभ जो है स्टैग्नेशन है, उसके लिए कुछ कर रहे हैं हम लोग। एक तो कॉन्स्टेबल को हेड कॉन्स्टेबल बनने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है, 20 साल पैसा लग जा रहा है, तो उसको पैसा तो मिल जाता है लेकिन रैंक नहीं मिलता है, उसके लिए भी कुछ हम लोग सोच रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। और दूसरा हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका है कि हम काफ़ी साल तक इंस्पेक्टर रहते हैं, तो हमको जो है गजेटेड ग्रुप भी, गजेटेड ऑफिसर रेलवे में सिस्टम है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इस दोनों पर हम लोग तीव्र विचार कर रहे हैं और जल्दी इसका निर्णय जो है कि आरपीएफ का जो काम है उस काम को इस ढंग से ओरिएंट किया जा रहा है कि रेलवे से संबंधित जो उनके काम है उनको प्रमुखता मिलना चाहिए। जैसे कि हमारा रेलवे का सबसे बड़ा काम रहता है कि हमारी गाड़ियों की जो है वो पंक्चुअलिटी पूरी ठीक रहे, तो पंक्चुअलिटी को इफ़ेक्ट करता है जैसे कि चेन पुलिंग हो गया, चेन पुलिंग होने के बाद ट्रेन लेट हो जाती है, उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो आरपीएफ को प्रोएक्टिवली चिन्हित करके ऐसे सेक्शंस में जहाँ पर कि चेन पुलिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे इनको जो है वो एडिशनल फोर्स देके डिप्लॉयमेंट करने का प्रयास किया गया है। और ओवरऑल जो है पूरे भारतीय रेल में करीब 18% जो है वो एसीपी, जिसको हम लोग आर्म चेन पुलिंग कहते हैं, उसमें कमी आई है। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे प्रभावित जगहों में से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी एक है, और ये में थोड़े तो कमी आई है लेकिन यहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, और ऐसे में यहाँ पे सेक्शन को चिन्हित करके और एडिशनल फोर्स जो है वो इनको हम इस काम के लिए दे रहे हैं। दूसरा जो आरपीएफ में एक आया है कि जो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो उसमें क्या करते हैं कि दलाल लोग जो है वो तत्काल या बाकी टिकटिंग जो है वो उसको वो लोग पुल कर लेते हैं, काटल कर लेते हैं, और जनता को उसके लिए दिक्कत होती है। तो अभी हम लोगों ने 2 ऑल इंडिया ड्राइव जो है वो किया था, जिसमें कि हम लोगों ने करोड़ों के ऐसे टिकट और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो रेलवे के टिकट्स की जो है वो दलाली करते हैं या कार्टेल बनाते हैं, और अब उन पे जैसे इस सीजन में कंटिन्यूअसली रोज जो है उनका चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। और उससे धीरे धीरे आप देखिएगा कि पहले आप देखते हुएगा कि तत्काल आपने खोला और जो बहुत महत्वपूर्ण रूट है उसमें 2 मिनट के अंदर में टिकट खत्म हो जाता था, अब वो टाइम जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सामान्य लोगों को जो सिस्टम है IRCTC का उसके तहत जो है वो टिकटें मिल रही हैं। और इसके लिए एक पूरी टीम बनाई गई है जिसमें हमारे IRCTC के ऑफिसर हैं, हमारे क्रिस जो हमारा सिस्टम चलाता है उसके सिस्टम है, कमर्शियल के लोग हैं और RPF के लोग हैं, और कंटिन्यूसली बोर्ड के लेवल पे इस मॉनिटरिंग से जो रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है उसका लाभ जनता को सीधे मिलने का जो प्रयास है हमारा उसमें काफ़ी सफलता मिलती जा रही है, खास करके फेस्टिवल सीजन के दौरान। उसके अलावा हमारे कई इश्यूज थे जहाँ पे अवैध हॉकिंग, अवैध वेंडिंग का बहुत सारा इश्यूज था, उस पर भी जो है वो काफ़ी नियंत्रण का जो है
वो प्रयास किया गया है और उसमें नियंत्रण जो है वो हुआ है। उस जो टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने इस्तेमाल अब करना शुरू किया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है अपराधों के नियंत्रण में मदद मिलता है। खास करके जो हमारी लंबे डिस्टेंस की गाड़ियां होती थी, जैसे लखनऊ से पुष्पक जाती थी, पुष्पक में जो जनरल कंपार्टमेंट हमारा होता था उसमें सीट्स के लिए कई तरह की शिकायतें आती थी कि या तो पुली ने या जीआरपी आरपीएफ पैसा लेके चढ़ाती है, इस तरह की शिकायतें आती थी। अब हम लोगों ने एक बायोमेट्रिक सिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत आरपीएफ में जो पैसेंजर है वो 2-3 घंटा पहले आके अपना बायोमेट्रिक दे देता है, उसको एक कूपन मिल जाता है, और जब ट्रेन चलनी होती है तब आके उस कूपन को दिखा के वो आराम से वहाँ पे बैठ जाता है। तो इस तरह के प्रयोग जो है वो हम लोग टेक्नोलॉजी के आधार पर कर रहे हैं, ताकि पैसेंजर्स को जो है वो अधिक से अधिक सुरक्षा मिले और उनकी जो यात्रा हो अधिक से अधिक जो है सुविधाजनक बने। ये बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो आरपीएफ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, कि उसमें धन की कमी ना हो, रेलवे बोर्ड ने पहले एक निर्णय ये लिया था कि जो हर प्रोजेक्ट का 0.25% पैसा जो है वो आरपीएफ को मिलेगा, उसको जो है वो अब हम लोग फॉर्मलाइज रूप में फिनेंस से अप्रूवल करा के बोर्ड का निर्णय उसमें जो है वो आने वाला है। और उसके अलावा मैंने कहा कि जो पहले जो आरपीएफ को पैसा मिलता था वो जीएम्स के थ्रू मिलता था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो है वो रेलवे बोर्ड में आरपीएफ के हेड में भी इस बार करीब जो है 186 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है, जिसको हम लोग जो महत्वपूर्ण रुके हुए काम है उसमें दे रहे हैं। खास करके आरपीएफ के जो बैरक्स हैं उनके अपग्रेडेशन में बहुत काम हुआ है और बैरक्स में बहुत ज़्यादा सुधार पूरे देश में हुआ है। जो पुराने बैरक थे उनका नवीनीकरण हुआ है और 100 के करीब जो है नए बैरक बनने का हुआ है, जिसमें 10 करीब करीब जो है कंप्लीट होने जा रहा है। तो उस तरफ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, कई जगहों पर जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में लगाया जा रहा है। यहाँ भी जैसे सेगवे वगैरह एक होता है, जिसको कि आप यदि उसमें सिपाही तुरंत एक प्लेटफॉर्म के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है, उसको भी अभी हमने बात हुई है। तो यहाँ भी नॉर्थ ईस्टर्न में लखनऊ गोरखपुर इन जगहों पे हम लोग लाने वाले हैं। एक बॉडी वॉर्न कैमरा होता है कि जिसका सिपाही हमारा जो स्कॉटिंग करता है उसके पास वो होता है, जब कोई घटना होती है तो उसको जो स्विच ऑन कर देता है, तो वहाँ पे जो घटना हो रही है वो सीधा सीधा कंट्रोल रूम में जो है प्रसारित होता है। तो इसके प्रयोग जो है वो वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे में किए गए हैं और NER में भी जो है वो हमने सुझाव दिया है कि उनका उपयोग जो है वो किया जाए। तो तकनीकी और जो हमारे कई पहले वैकेंसीज थे, अभी हम लोगों ने 10-12 हज़ार लोगों की भर्तियाँ की हैं, तो उनके भर्ती होने से भी जो है वैकेंसीज जो है हमारी पूरी हुई हैं, और उसके तहत आरपीएफ को कुछ नए काम भी जो है वो मिल रहे हैं। एक संशोधन के तहत जो है वो आरपीएफ को भविष्य में जो रेलवे के अपराध हैं, जैसे जहर खुरानी है, थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बैग है, उसके बाद आपको औरतों और बच्चों के ट्रैफिकिंग का इशू है, इन सब में जो है मौलिक रूप से अपराध रेलवे एक्ट के तहत मिलने जा रहे हैं। तो उसमें इनके काम करने के ढंग में परिवर्तन होगा और अधिकार मिलेंगे उनको। अभी NDPS एक्ट के तहत भी जो है वो एम्पावर किया गया है आरपीएफ को, जहाँ पे सीजर और गिरफ्तारी का पावर इनको मिला है, और दूसरे एक्ट्स में भी जो है कई प्रपोजल्स चल रहे हैं। तो आरपीएफ का एक नया स्वरूप जो है वो पैसेंजर्स क्राइम की ओर आएगा और उस ढंग से जो है वो ये सेफ जर्नी जनता जो करेगी उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। हम कोई फिक्स नहीं रखते हैं, यदि हम ये फिक्स है कि इस गाड़ी में स्कॉट जाती है इसमें नहीं जाती है, तो फिर पर्पस हमारा वो हो जाएगा। मैंने जो नए निर्देश दिए हैं उसके आधार पर हमने कहा है कि आप क्राइम की समीक्षा करिए और उसके आधार पर जो है ट्रेनों को बदलते रहिए स्कॉटिंग में, क्योंकि हर ट्रेन को हम स्कॉट नहीं कर सकते हैं। तो उसको जो है एक प्रीमियम ट्रेन को छोड़ के बाकी ट्रेनों में स्कॉट को बदलने के लिए जो है वो कहा गया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को स्कॉट कर पाए। सर, एक ट्रेनों का अपराध बढ़ा है, पत्थर मार के डंडा मार के ट्रेन के बोगियों पे जो खड़े हुए फोन में बात करते हैं, इस तरह की चुनौती लूट की घटनाएं। हाँ, ऐसा है ना कि ये जो यहाँ पे घटना, आप क्या कह रहे हैं, चुनौती हुई घटना ट्रेन पे, जैसे मोबाइल पे गेट पे खड़ा होकर बात कर रहे हैं, ट्रेन धीमा हुआ, ईंटा मार दिए, पत्थर मार दिए बाहरी लोगों के द्वारा, संगठित गिरोह है लुटेरों की। अच्छा, तो ठीक है, उसकी तरफ हम लोग देखते हैं, जो भी कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। नई बात आपने बताई है, देखवाता हूँ। सर, एक कर्मचारी जो आपके विभाग के हैं उनके लिए क्या है? हाँ, जो हमारे आरपीएफ के लोग रहे हैं उसका हर रैंक में हम लोगों ने जो है वो प्रमोशंस जो काफ़ी सालों से रुके हुए थे उसको हम लोगों ने किया है। हमारे इंस्पेक्टर से ASC का कन्फर्मेशन जो है कई सालों से हमारे अधिकारियों का रुका हुआ था, तो उसको UPSC के थ्रू करने के बाद करीब 95-96 लोग जो है वो ACP कंफर्म हो गए हैं, उसमें से 20-22 लोगों को जो है वो एडहॉक सीनियर स्केल भी मिल गया है। जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के लिए रुके हुए थे उनका एग्जाम देके उनका प्रमोशन जो है वो हो चुका है ऑलरेडी,
और ASI से सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो करवाया जा रहा है, और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक में जो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन था उसको भी जो है वो प्रमोशन करके क्लियर करके उनको प्रमोशन जो है वो दिया गया। अरे यहाँ बॉम्बे में इंसिडेंट हुआ था 26/11 के, उसके बाद जो है वो एक ISS स्कीम जो है लागू किया गया, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम। उसमें रेलवे ने 202 स्टेशनों को चिन्हित किया कि इन 202 स्टेशन्स पे हम लोग जो है वो मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि CCTV कैमरा है या DFMD है, HHMD है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम है या लगेज स्कैनर है, ये सब देंगे। तो एक तो वो चीज़ें जो है वो आई हैं उन सारे स्टेशन्स पे, लेकिन सबसे पहले था कि उसको बनाने से पहले एक हम लोगों ने ये चिन्हित नहीं किया था कि जो रेलवे स्टेशन है ये पूरी तरह से चारों तरफ से खुला हुआ है, इसको जब तक आर्किटेक्चर को हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम जो है सही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे आने के बाद स्टेशन सिक्योरिटी प्लान करके जो है एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें पहले सबसे पहले ये 202 स्टेशन जो हैं इनके जो एंट्री गेट और एग्जिट गेट थे उनको जो है वो कंट्रोल करने की बात थी, और जहाँ पे जिस एंट्री गेट या एग्जिट गेट की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे दीवार बना के या वहाँ पे बैरियर लगा के उसको बंद करने का प्लान किया गया था, और उसको उसी तहत जो है वो पूरे रेलवे में 3000 किलोमीटर बाउंड्री वॉल का सैंक्शन जो है वो हुआ है ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और जैसे आपके यहाँ इनको भी और बाकी जगहों के लिए भी। तो उसमें खास करके जैसे आपके इस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो है वो 3 स्टेशन हैं, जैसे लखनऊ है, गोरखपुर है और छपरा है, तो वहाँ पर जो है वो स्टेशन सिक्योरिटी प्लान इन लोगों का न सिर्फ तैयार है बल्कि उसके तहत काम भी हो रहा है, बाउंड्री वॉल भी बन रहे हैं, वो कंट्रोल भी हो रहा है। तो पूरी तरह से जो हमारा एक ओपन आर्किटेक्चर है खुला हुआ उसको हम सबसे पहले जो है क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्लोज होने के बाद हम सिक्योरिटी जो है वो उसको वो सब वो आप धीरे आप देखिएगा धीरे धीरे सब ये बाउंड्री वॉल ये बन जाता है तो ये संभव नहीं हो पाएगा। नए लगेज स्कैनर भी लिए जा रहे हैं, ये तो जहाँ पे है उसको ठीक करने का प्रयास करके, और ऐसा है कि सब्स्टिट्यूट ऐसा है कि आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो फुटफॉल है जितने स्टेशन पे लोग आते हैं उस पर यदि हम ये कहें कि हम हर आदमी का हर लगेज स्कैन कर पाएंगे ये संभव नहीं होता है। तो हम लोग उसमें रैंडम करते हैं कि एक किसी का एक आदमी का किया फिर 9वें नंबर कोई नंबर फिक्स कर दिया 9वें आदमी का, 18वें आदमी का, 22वें आदमी का, तो वो जो रैंडमनेस होता है उस रैंडमनेस के कारण एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और उसके आधार पर हम उसकी जो है वो स्कैनिंग करने के लिए कहते हैं। फिर हमारे जो डॉग स्क्वाड्स वगैरह हैं इसको हम लोग इस टाइम में इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, जहाँ कहीं भी कॉन्ट्राबैंड ये चीज़ें जाती होती हैं तो हमारे डॉग स्क्वाड जो है उस टाइम में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, और जहाँ पर ख़राब है वहाँ पर जो है वो उसको निश्चित रूप से जल्दी उसमें सुधार किया जाएगा। सर कुछ यात्रियों को लूट नहीं पता रहता, जानकारी नहीं होती ट्रेनों पे यात्रा करने की, उन यात्रियों से क्या कहना चाहिए? पे जो है एक एक ट्रेन का चेंज होना, उसका रूट, वो सारी सूचनाएं जो है उपलब्ध हैं, और बाकी जो स्टेशन पे इंक्वायरी हमारा 24/7 काम करता है वहाँ पे जो है यात्रीगण पता कर सकते हैं।